वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है नेक्स्ट इवनिंग और हम लोग निकले हैं। एक्चुअली मैं अभी आगे बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बट व्यू देखो आप चारों तरफ गर्मी का, सुनसान से लग रहे हैं ना। From up here, अंदर जाएगा पत्ता भी नहीं चलेगा, काम गया। The world seems small. बाकी लोग जा रहे हैं together. It's so beautiful. You तो बस अभी हम चल रहे हैं, फिर बताती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। काफी शाम सी हो गई है, 5:15 तक हम लोग निकले होंगे, अब उससे थोड़ा ज्यादा हो गया होगा टाइम, तो चलिए देखते हैं। एक्चुअली यहाँ का मेन रास्ता भी है जहाँ सिटी के तरफ से जाते हैं, बट ये एक शॉर्टकट था जो मम्मी ने कहा कि चलो इस रास्ते चलते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे, इसलिए हमने शॉर्टकट ले लिया। अरे ये तो रहा हमारा प्लान। तो ये रहा हमारा प्लॉट, यहाँ से थोड़ी सी हल्दी लगा रखी है और ये रहा, तो चलो देख के आते हैं। मम्मी हल्की ये हल्क क्या लगा है मम्मी, इतने में ही लगाई थी क्या हल्दी? यहाँ थोड़ी हल्दी बची हुई है, बाकी सारा कहाँ से उस तरफ दूसरे किसी का होगा। हमारा प्लॉट यहाँ पे किसी और की बाउंड्री है, आगे भी किसी और की बाउंड्री है, हमारी भी बाउंड्री नहीं हुई है। वो नहीं, सामने वो रोड है, मतलब इस तरफ से ये रोड है, आगे जाके उधर पीछे का। मैंने काफ़ी जो हल्दी लगी है वो क्लीन कर रही है मम्मी ने, और मैंने थोड़ा सा उधर बची हुई है, तो वो देखते हैं कब करेंगे, पर इतना काफ़ी क्लीन हो गया। और यहाँ देखो कितना सारा घास ही है गिराया है हम लोगों ने, ये भी है बहुत सारा। तो बस अब काफ़ी रात हो गई, अब घर चलते हैं। हाय डियर, तो कल खेत से आने के बाद मैं कुछ और रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो आज नेक्स्ट मॉर्निंग है और अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और हम तीन जने जा रहे हैं, मम्मी मैं और आरव। बिहू घर पे है दादू और अपने पापा के साथ, तो बस यही है, थोड़ी सी शॉपिंग भी थी और आरू का मुझे कानों को क्लीन करवाना था, तो इस वजह से भी जाना था, तो बस यही है। कुछ शूज़ लेने थे आरू के लिए, कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, इस टाइप से हमने शूज़ लिए उसके लिए, और थोड़ी बहुत जो शॉपिंग थी सर्दियों की, थोड़ा सा बच्चों के लिए छोटे, मतलब थोड़ा बहुत जो सर्दियों वाले कपड़े होते हैं ना वो सब रह गया था, तो वो सब मैंने कहीं यहीं से ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे ठीक लगता है, सस्ता भी लगता है। गुड मॉर्निंग, तो अब है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज हम लोग जा रहे हैं नोएडा, तो बस हम रेलवे स्टेशन में ट्रेन का वेट कर रहे हैं। व्यू किसका वेट कर रहे हो आप? हाँ ट्रेन का। आपकी ट्रेन कहाँ पे आएगी? इधर से आएगी। ओके, यहाँ पे आएगी ना बीहू की ट्रेन। ओके आरू तो बिल्कुल डाकू बना हुआ है। देखो ये रही ट्रेन आ गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बैकग्राउंड देख के आपको पता चल गया होगा कि हम लोग नोएडा आ गए हैं और जस्ट अभी पहुंच रहे हैं। वैसे हम 10:15 तक पहुंच जाते थे यहाँ, बट आज बहुत लेट हो गया। आज ट्रेन मतलब इंजन में कुछ प्रॉब्लम थी कि 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे ही, और फिर हर स्टॉपेज में उतर रही थी, जहाँ रुकती भी नहीं है ना वहाँ भी रुक रही थी, तो जिसकी वजह से बहुत डिले हो गया। अब बज रहे हैं 1:30 से भी ऊपर हो गया, और हम लोग जैसे ही पहुँचे और भूख लगी थी भयंकर, सबको भूख लगी हुई है, और मैंने कहा फटाफट से पहले दाल रख दी और फिर यहाँ चावल रखे हैं, तो
चावल और इसमें दाल। तो फटाफट मैं छौंका लगाती हूँ, फटाफट खाना खा लेते, बहुत भूख लग रही है। फिर आप क्या खाओगे? तो आज मैं एक आपको नॉर्मल सा जुगाड़ बताती हूँ कि मैं कैमरा लेके गई थी, तो जाते समय तो हम गाड़ी से गए थे, तो कैमरा मैंने ऐसे ही रख दिया था, उसका बैग लेके नहीं गई। तो आते समय मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि इसको रखूँ कैसे, क्योंकि हम लोगों ने ट्रैवल करना था, मतलब ट्रेन से आ रहे थे, तो इधर उधर कहीं लग जाता, टूट फूट जाता। तो मैं कैमरा कैसे लाई बताऊँ आपको, तो अभी दिखाती हूँ। तो और कोई नहीं, ये रहा मेरा कैमरा जो मैंने 2-3 हगीज के साथ वो कर रखा है बंद। तो ये आपको दिख रहा होगा तो मैंने ऐसे कवर कर रखा है ताकि कॉर्नर कहीं पे लगे ना, ठक ठक से ना। बैग होता है तो बैग में तो प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये मुझे ऐसा था कि इसको मुझे सेफली लेके जाना है, तो इसलिए मैंने इस तरह से जुगाड़ किया, तो हगीज़ में लपेट के लाई हूँ।